दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं आप सभी के बीच में, जैसा कि थंबनेल दिख रहा है कि बिहार में खुला भर्तियों का पिटारा, जाहिर सी बात है यहां देख सकते हैं बिहार सरकार के द्वारा एक बड़ी भर्ती का ऐलान किया जा रहा है, जिसमें देख सकते हैं CM नीतीश कुमार का आदेश, और यहाँ देख सकते हैं जो है कितने बड़े स्तर से लगातार पदों को सृजन किया जा रहा है और उन्हें भरने की तैयारी भी की जा रही है। आगे यहाँ देखिए, इसी के अंतर्गत यहाँ पेपर कटिंग पे देख सकते हैं आपके बीच में मैंने स्पष्ट तौर पर लगा रखा है। आगे यहाँ सवाल उठता है कि आखिरकार इतने बड़े पदों को भरने के लिए अगर तैयारी है तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले हम इस पूरे अपडेट्स को आपको दिखाना चाहेंगे भाई, जिसका आप दिसंबर से इंतज़ार कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम जूम करते हैं। देखिए इसके अंतर्गत कहा जा रहा है अवसर, यहाँ पूरे अपडेट्स नहीं, हम इसे थोड़ा सा अलग से दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए आपके बीच में पूरे अपडेट्स लगे हैं। सबसे ऊपर कहा जा रहा है अवसर, बिहार में 5.17 लाख जो है नए पदों पर होगी भर्ती। अब इसके अंतर्गत यानी कहा जा रहा है 5,17,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आपके बीच में आने वाला है। इसके अंतर्गत देखिए कहा जा रहा है कि राज्य में नौकरी का पिटारा खोलने वाला है, एक ही साल के अंदर 17 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार मिलेगी। शीघ्र ही 5,17,000 सरकारी पदों पर बहाली होगी, साथ ही 11 लाख रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। आगे कहा जा रहा है इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसके अतिरिक्त 1,99,000 सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई, 3 माह में नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सरकारी नौकरी के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री जो है संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, विभागों के प्रावधान को जो है 7 निश्चित 2 के अंतर्गत सरकारी नौकरी और रोजगार देने के निर्धारित लक्ष्य को 1 साल के अंदर मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल नियुक्ति करने वाली जो है विभिन्न आयोगों को 2,11,000 नई नियुक्ति का अध्याचन जो है भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त अगले महीने में जो है 2,34,000 रिक्तियों का अध्याचन जो है विभिन्न आयोगों को भेजी जाएगी। आगामी वर्ष में 72,000 और रिक्तियां होने के अनुमान है, जिसका अध्याचन अगले वर्ष भेजी जाएगी। बाकी यहाँ देख सकते हैं परीक्षा में गड़बड़ी के लिए सख्त कानून बनाए जाने का जो लक्ष्य है वो भी बिहार सरकार की तरफ से मांग किया गया है। बाकी चीज़ों को यहाँ देख सकते हैं, 11 लाख लोगों को रोजगार देने का भी राज्य सरकार ने रखा है लक्ष्य। बाकी यहाँ CM ने नौकरी रोजगार जो है देने का लक्ष्य मिशन मोड को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यह कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट है आप सभी के बीच में भाई। अगर UP में भर्ती नहीं आ रही तो आप यहां देख सकते हैं बिहार सरकार किस तरह से प्रतिबद्ध है सरकारी नौकरी। अब यहां एक चीज़ आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार इन 5,17,000 पदों के तहत कौन कौन से पदों पर नोटिफिकेशन आएगा। हालांकि अभी ये चीज़ें इस पेपर कटिंग के द्वारा तय नहीं की गई हैं, लेकिन इसके अंतर्गत जितने भी पद खाली हैं लगभग उन सभी विभागों के पद जो है उन पर विज्ञापन आएगा। हालांकि जैसे जैसे विज्ञापन आएगा हम चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।